आपके पास फिर से एक बार आना चाहूंगी, क्योंकि एक ऐसा बैंक जिसके नतीजे ओवर द वीकेंड आए और काफी चर्चा भी हुई, वो था येस बैंक। मुनाफे में काफी एक अच्छा जंप देखने को मिला और कई सारे लोग अब इसको लेकर ये भी मान रहे हैं कि क्या पता अब ये जो टर्न अराउंड स्टोरी है वो प्ले करे येस बैंक में। आपने नतीजे एनालाइज किए, कैसे दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पे कोई टिप्पणी? सृष्टि, देखिए मैं दो बात बिल्कुल कहूंगा। पहले तो कवरेज हमारी बिकवाली की थी और हमारे नीचे के तरफ के लक्षांक आने के बाद हमने उस कवरेज को निकाल दिया था। फिलहाल अगर आप हमें पूछे तो कवरेज में नहीं है। हाँ, लेकिन क्या हम इस पर नजर रख के बने हैं? तो हाँ, नजर बिल्कुल है, लेकिन कोई कवरेज है नहीं। दूसरी बात, क्या नतीजों में सुधार हो रहा है? तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आंकड़ों में दिख रहा है कि सुधार हो रहा है। तीसरी बात सृष्टि, ये भी है कि ऐसी बातें बाजार में हवा उड़ जाती है कि भाई कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन या कोई फॉरेन या फिर कोई लोकल बड़ी बैंक इसको टेक ओवर करना चाहती है। अभी मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते पहले ही ऐसी खबर आई थी और फिर उस खबर का खंडन किया गया था। तो हाँ, सुधार हो रहा है, लेकिन कवरेज बुनियादी तर्क के आधार पर निकालने के लिए थोड़ा समय लगेगा। क्या हमारी नजर है इसके ऊपर? हाँ, वो बिल्कुल है। एक शेयर गौरांग सर, मतलब डिस्कशन से बिल्कुल बाहर ही हो गया था, फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पीसी ज्वेलर, पहले उन्होंने पीएनबी के साथ वन टाइम सेटलमेंट किया, उसके बाद अब खबर आ रही कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक मुश्त सेटलमेंट को तैयार हो गया है। 70 रुपए के आसपास शेयर का भाव हो गया है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि किस तरह के आरोप लगे थे वक्रांगी को लेकर, और ये कॉरपोरेट गवर्नेंस के इश्यूज निकल कर आए थे, तमाम आरोप रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं अब बिजनेस वो अपनी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। क्या पीसी ज्वेलर, आप भी इसको ट्रैक करना फिर से शुरू किया आपने? जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि पॉजिटिव हैं वो? तो अनिल अंबानी ग्रुप की भी आ रही है कि भाई जो बकाया था बैलेंस शीट पर वो शुरू कर दिया है। लेकिन अभिषेक, मैं एक बुनियादी तर्क विशेषज्ञ हूं और मेरे लिए अनिवार्य होगा ये सब बातें जो है वो आंकड़ों में तब्दील हो, और आंकड़े तब मुझे दिखाई देंगे जब इनके नतीजे धीरे धीरे करके सुधरे और जो बैलेंस शीट पर बकाया है वो कम हो। बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है अभिषेक, लेकिन जब वास्तविकता सामने आकर के खड़ी हो जाती है ना, और अगर आंकड़े नहीं दिखते हैं तो मुंह पर तमाचा लग जाता है। तो खाली बातें सुन करके मत कीजिए, आंकड़ों को देख करके कीजिए। मैं फिलहाल इस कंपनी में कोई कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन अगर आपको जेम्स एंड ज्वेलरी ही खरीदना है, आप सोने के दुकान में जाते हैं, अगर आपको सोना खरीदना है, तो आप अच्छी खासी क्रेडिबल दुकान में जाएंगे ना। आपको ये ऐसे राह चलते दुकान में तो जाएंगे नहीं। तो टाइटन कंपनी एक बेहतर कंपनी है मेरे ख्याल से। 3200, पता नहीं कितना, 3200 के आसपास का दाम होगा शायद, तो ये एक बेहतर विकल्प है मेरे ख्याल से। ज्वेलर्स के बदले टाइटन पे आप नजर रख सकते हैं।